हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग, मैं नीतू तिवारी आपका स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग अपने न्यू ब्लॉग में। कुछ पंक्तियाँ हैं जो मैं आपसे आपके सामने रखना चाहती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता, रूपाली टंडन जी ने अपने कुछ एहसास लिखे हैं, उनकी कुछ पंक्तियाँ हैं जो मैं अपने शब्दों में कहना चाहती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं रोज खाना पकाती हूँ तुम्हें बहुत प्यार से खिलाती हूँ। मैं रोज खाना पकाती हूँ तुम्हें बहुत प्यार से खिलाती हूँ, पर तुम्हारे झूठे बर्तन उठाना मुझे अच्छा नहीं लगता। कई वर्ष से हम तुम साथ रहते हैं, लाजिम है मतभेद तो होंगे ही। कई वर्ष से हम तुम साथ रहते हैं, लाजिम है मतभेद तो होंगे ही। मुझे तुम्हारा बच्चों के सामने चिल्लाना मुझे अच्छा नहीं लगता। हम दोनों को जब किसी फंक्शन में जाना होता है, हम दोनों को जब किसी फंक्शन में जाना हो, तुम्हारे पहले कार में बैठकर यूं हॉर्न बजाना मुझे अच्छा नहीं लगता। जब मैं शाम को थक कर घर वापस आती हूँ, तुम्हारा गीला तौलिया बिस्तर पर से उठाना मुझे अच्छा नहीं लगता। माना कि बच्चे हमारे कहने में नहीं हैं, पर उनके बिगड़ने का सारा इल्ज़ाम मुझे अच्छा नहीं लगता। यह कहकर तुम्हारा मेरा राखी से डाक भिजवाना मुझे अच्छा नहीं लगता। पूरा वर्ष तुम्हारे साथ ही तो रहती हूँ, पर तुम्हारा ये कहना जरा मायके से जल्दी चली आना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी माँ के साथ तो मैंने उम्र गुजार दी, मेरी माँ से दो बातें करते तुम्हारा हिचकिचाना मुझे अच्छा नहीं लगता। यह घर मेरा भी है हमदम, पर घर के बाहर सिर्फ तुम्हारा नाम लिखवाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चुप हूँ कि मेरा मन उदास है, पर मेरी खामोशी को तुम्हारा यूं नज़रअंदाज कर जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। पूरा जीवन मैंने ससुराल में गुजारा है, फिर मायके से मेरा कफन मंगवाना मुझे अच्छा नहीं लगता। पूरा उम्र मैंने ससुराल में गुजारा है, फिर मायके से मेरा कफन मंगवाना मुझे अच्छा नहीं लगता। धन्यवाद।